तो अगर आप सस्ती मस्ती में बिलीव करते हैं, किसी और का डायलॉग नहीं है, सुना सुना लग रहा है। हाँ तो मैं आपको सिर्फ 30,000 में ऐसी पीसी बिल्ड करके दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ही भयंकर होने वाली है, जिसमें आप गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और सभी काम कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और काफ़ी कमाल की पीसी बिल्ड करके दिखाने वाला हूँ मैं। जो जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगा वो मैंने खुद पर्सनली अपनी पीसी बिल्ड करी है, वो अभी इस टाइम चल रही है और मुझे यूज़ करते करते लगभग 1-1.5 महीना हो चुका है। तो मैं बाद में रिव्यू आपको साथ में रिव्यू भी दे रहा हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरी डिटेल्स तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं के वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने प्रोसेसर यूज़ करा है राइजन 5 जो कि आपका 2400G है और ये लगभग आपको 13,000 रुपये में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर राइजन के साथ इसलिए गया हूँ क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है जो हमें इंटेल में नहीं मिलती है, चाहे उसकी 8th जनरेशन हो या फिर उसकी लेटेस्ट 9th जनरेशन हो। तो राइजन यार अभी AMD ने जब से राइजन सीरीज लाया तो भाई इंटेल को काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रखी है। हालांकि उसकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो है वो इतनी मुकाबला नहीं कर पाती, उससे थोड़ी सी कम रह जाती है, लेकिन मल्टी कोर परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कमाल की है हमारे राइजन की। तो राइजन में यहाँ पर इस प्रोसेसर में हमें मिलता है 4 कोर और 8 थ्रेड्स मिलती है और इसमें हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि आपका वेगास 11। तो वेगास 11 जो है हमें इंटीग्रेटेड इसमें GPU मिलता है, तो आपसे कोई डिस्क्रीट GPU नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब आपको कोई अलग से ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं लगाने की ज़रूरत है। और जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो बहुत ही भयानक है और काफ़ी मतलब तगड़ा वाला इसका ग्राफिक कार्ड है। जैसे कि आपको इंटेल के कुछ प्रोसेसर्स के साथ आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो कि G630 शायद कुछ ऐसी नाम है, मुझे लगभग ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो जो है वो काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस देता है और बस आपके काम चला हुआ है, बस आपको डिस्प्ले देने के काम आता है। और अगर आप उसमें वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आपको मजबूरन आपको अलग से GPU लगाना पड़ेगा, तो आपको GPU लगाना उसके साथ कंपलसरी है अगर आपको गेम या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है तो। लेकिन इस प्रोसेसर के साथ कोई भी चक्कर नहीं है, काफ़ी भयंकर आपको इसमें GPU मिल जाता है और काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा भी गेमिंग नहीं करनी है, बिल्कुल हाई फाई फुल HD में और हाई आपको फ्रेम रेट चाहिए, मतलब आपको मीडियम और नॉर्मल या फिर मतलब मीडियम आपको काफ़ी अच्छी आपको इसमें गेमिंग मिल जाएगी और वीडियो एडिटिंग तो काफ़ी भयंकर मिल जाएगी। और इसमें साथ में आपको अनलॉक्ड मिलता है प्रोसेसर, मतलब राइजन के सभी प्रोसेसर जो है वो अनलॉक्ड है, मतलब आप उनको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो मतलब प्रोसेसर में 13,000 में यार इतनी कमाल की चीजें मिल रही है, वो आपको अभी फिलहाल इंटेल नहीं दे रहा है और इंटेल भी अभी कुछ थोड़ा बहुत टक्कर देने की कोशिश कर रहा है जब से AMD ने राइजन लॉन्च करा है। तो मतलब ये प्रोसेसर बेस्ट है मेरे हिसाब से 13,000 में। और इसके साथ जो हमें इसका कूलर मिलता है वो भी काफी भयानक है और काफी अच्छा, दिखने में भी गुड लुकिंग है और उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, मतलब दिखने में और इसकी आपके कूलर के साथ काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। आपको मेरे हिसाब से अलग से कोई कूलर नहीं खरीदना पड़ेगा अपने CPU के लिए। और इसकी जो आपकी बेस आपकी क्लॉक स्पीड है वो 3.6 GHz है और इसको आप मैक्स बूस्ट कर सकते हैं 3.9 GHz तक, तो आप इसको ओवरक्लॉकिंग करके भी काफ़ी भयानक परफॉर्मेंस पा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर HDD की, मतलब यहाँ पर हम हार्ड डिस्क ड्राइव जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं WB की। तो WB की आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी जो लगभग आपको 3200 की मिल जाएगी 1 TB की, तो 1000 GB की आपको अच्छी खासी HDD मिल जाएगी जो कि आपको लगभग 3200 में, रिपीट क्यों कर रहा हूँ रिपीट। साथ में मैं यहाँ पर SSD भी यूज़ करने जा रहा हूँ। तो SSD मेरे हिसाब से आप इतने अच्छा PC बिल्ड कर रहे हैं तो आपको SSD यूज़ करना कंपलसरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि SSD लगाकर आपका कंप्यूटर सुपर फास्ट बन जाएगा चाहे आपने घटिया प्रोसेसर क्यों ना लगा रखो, और आपका PC भी काफ़ी जल्दी बूट करेगा, 10-15 सेकंड में इजीली बूट कर जाएगा, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस मिल रही है यार मुझे SSD में। तो यहाँ पर मैंने WB की ही SSD यूज़ करी है जो कि हमारी 240 GB की है। तो ये जो 240 GB की मैंने यूज़ करी है इसको मैं कम्प्लीटली C ड्राइव में यूज़ करने वाला हूँ। जो हमें C ड्राइव होती है वो पूरी की पूरी मैं इसी ड्राइव में यूज़ करने वाला हूँ, मतलब 240 GB जो है वो डेडिकेटेड मैं C ड्राइव के लिए दूंगा और जो 1 TB है वो अपने डेटा वगैरह के लिए, गाने म्यूज़िक सॉन्ग वगैरह ये सब डालने के लिए। और ये जो हमारी SSD में यूज कर रहा हूं ये M.2 स्लॉट में लगाने के लिए यूज कर रहा हूं जो कि काफी कॉम्पैक्ट है, काफी छोटी से आपको अलग से पावर सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी,
रही। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं एम डॉट वाली को, ये रही हमारे पास, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे एम डॉट टू स्लॉट में लगाने के लिए, तो ये जगह भी कम घेरेगी, आपको पावर सप्लाई अलग से नहीं देनी पड़ेगी और आपका सीपीयू अंदर से काफ़ी क्लीन रहेगा और ऐसा ज़्यादा उलझन वगैरह नहीं रहेगी सीपीयू में। और इसमें मैं और आपको बताऊं तो इसमें आपको स्पीड जो मिलेगी वो लगभग 6 GB पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी, क्योंकि एम डॉट टू स्लॉट में लगेगी। और ये ग्रीन वाली SSD है, मतलब ये हमारी है SATA इंटरफेस वाली, तो SATA इंटरफेस वाली है। और अगर इसके अलावा ब्लैक वाली SSD यूज़ करते हैं जो ब्लैक कलर में आती है, जो कि आपकी PCIe NVMe वाली जो होती है, उसमें आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, लगभग आपको 32 GB पर सेकेंड की स्पीड मिल सकती है। लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, इससे दुगने से भी ज़्यादा महंगी हो सकती है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से ये वाली SSD यूज़ करनी मस्ट है, क्योंकि ये आपको बहुत ही सस्ती मिल जाती है। ये लगभग आपको 2500 में आज के प्राइस में आज की डेट में मिल जाती है। लेटेस्ट प्राइस आप चेक कर लेना, लिंक मैंने सभी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो लगभग आपको 2500 में मिल जाएगी। और जब मैंने ये ली थी, मतलब एक महीने पहले जब मैंने इस SSD को लिया था, तो ये मुझे 3200 की मिली थी। तो अब इससे अब इसका प्राइस जो है 700 रुपये कम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एक महीने में काफ़ी कम हो चुका है। और इससे पहले तो यह बहुत ही महंगी मिलती थी SSD, तो आप इस टाइम पर खर्च कर सकते हैं SSD पर, आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पर काफ़ी भयंकर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने जो रैम यूज़ करी है वो 8 GB की यूज़ करी है, कोरशेयर की है, और DDR4 आपकी रैम है, लेटेस्ट है, और इसकी क्लॉक स्पीड 3000 MHz है। तो काफ़ी अच्छी आपको क्लॉक स्पीड मिल जाती है। अगर आप इसको ओवर क्लॉक करना चाहते हैं तो आप इसको ओवर क्लॉक करके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, तो आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। अगर आप कोई भयंकर और PC बिल्ड करना चाहते हैं, आप इसी रैम को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं भी इसको ओवर क्लॉक कर और ज़्यादा परफॉर्मेंस पा सकता हूँ, क्योंकि हमें इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स मिलता है। तो इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है वो आपकी जो रैम लगी होती है उसी को कंज्यूम करता है। तो आपको अगर GPU से अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो अच्छी क्लॉक स्पीड वाली आपको रैम यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इतनी अच्छी रैम यूज़ करी है 3000 MHz वाली। तो आप 2400 MHz वाली भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन मैंने फ्यूचर के हिसाब से इसको ले लिया था। तो ये आपको पड़ जाएगी लगभग से आपको 3600 रुपये की, लेकिन मैंने जब इसको ली थी वो मुझे मिली थी 4500 की। लगभग आपको 900 रुपये का आपको मतलब कम प्राइस मिल रहा है आज की डेट में। तो लगभग एक महीने पहले इसमें आपको 900 रुपये ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर मैं बता रहा हूँ SSD और RAM के प्राइस जो है और GPU के प्राइस काफ़ी कम होते जा रहे हैं। तो आप PC बिल्ड करिए, आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इस RAM के साथ। अगर आप डुअल चैनल वाली RAM को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब दो RAM को लगाना चाहते हैं, तो आपको और अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। आप 4 GB की दो RAM यूज़ कर सकते हैं, आपको उसमें डेडिकेटेड दो स्लॉट मिल जाएगी, जो मैं मदरबोर्ड बताने वाला हूँ सभी में। तो आप उसमें दो RAM यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन मैं डुअल चैनल की जगह सिंगल के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि शायद फ्यूचर में मुझे और RAM अपग्रेड करनी पड़ जाए और फिर वो मेरी ख़राब हो जाए। तो इसलिए मेरे कुछ और भी पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से मैं सिंगल चैनल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे अगर आपका बजट बढ़ सकता है, मतलब 2000-3000 रुपये और डालकर आप डुअल चैनल यूज़ कर सकते हैं, मतलब 4 GB की दो यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी टोटल 8 GB हो जाएगी और परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की हो जाएगी। तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। अब PSU की बात करूँ, मतलब हमारी पावर सप्लाई यूनिट जो है वो मैंने यूज़ करी है कोरशेयर की तरफ से VS450। तो ये जो है वो 450 वॉट की पावर सप्लाई है, और पावर सप्लाई में आपको कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छी पावर सप्लाई यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ भाई पावर इस पर ही डिपेंड करेगा। अगर आपकी पावर सप्लाई अच्छी नहीं होगी, शायद आपके CPU में प्रॉब्लम आ जाए या फिर अच्छी परफॉर्मेंस ना मिल पाए। तो यहाँ पर मैंने 450 वॉट का यूज़ करा है, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनफ है इस CPU के लिए जो मैं बना रहा हूँ, और फ्यूचर में भी अगर मैं कुछ अपग्रेड करता हूँ तो भी मेरे हिसाब से इनफ होगा। आपको PSU में ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस PSU को यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने बहुत सारी खास बातें देखी है, क्योंकि जब भी पहले जो मेरा CPU था उसमें अगर लाइट फ्लक्चुएशन होता है तो यहाँ पर मुझे कोई भी इसमें कट नहीं मिलता है PC में, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, CPU नहीं लगा रखा अपने कंप्यूटर में, मैंने PC डायरेक्ट अपने लाइट से डायरेक्ट कनेक्ट कर रखी है। तो मुझे आज तक एक भी इसमें कट नहीं मिला है, मतलब लाइट आई गई या फिर उसमें फ्लक्चुएशन हुआ, तो इस तरह का मुझे कुछ कट नहीं मिला। लेकिन इससे पहले जो मेरा कंप्यूटर था उसमें हर बार कट होता था। तो आप देख सकते हैं पावर सप्लाई पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आपका CPU। तो ये आपको 2700 रुपये का मिल जाएगा। तो मैंने आपको सभी की प्रोडक्ट्स की लिंक आपको बता दूँ फिर से, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप Amazon से जाकर इनको खरीद सकते हैं।
बात करूँ मैं अपने कैबिनेट की, तो कैबिनेट जो यूज़ करा है वो मैंने चिप्ट्रॉनिक्स का यूज़ करा है, जो कि लगभग आपको 2000 का मिल जाता है। तो 2000 में आपको काफ़ी कमाल का यार आपको कैबिनेट मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइट्स भी मिलेगी, सामने से आपको ट्रांसपेरेंट मिलेगा, जिसमें आपको फ़ैन मिलेगा, जिसमें आपकी LED रेड कलर की लगी रहेगी, जो कि आपको काफ़ी कमाल का इफेक्ट देगी। और साइड में भी आपको टेम्पर्ड मिलेगा, टेम्पर्ड नहीं कहूँ तो उसमें मतलब आपको ट्रांसपेरेंट ही मिलेगा, जो कि दिखने में काफ़ी कमाल का लगता है, अंदर सब कुछ दिखता है। जो आपको महंगे महंगे आपको कैबिनेट्स मिलते हैं ना 3-4 हज़ार या फिर 5-6 हज़ार वाली, वही फील आपको इस 2000 के कैबिनेट में मिल जाएगा। तो अगर आप वो सोच रहे हैं कि यार कैबिनेट 1500 या फिर 2000 का ले लो, जिसमें आपको अंदर ही आपको पावर सप्लाई यूनिट मिल जाती है, तो यार उसके साथ मत जाना, क्योंकि अगर आप उसके साथ जा रहे हैं आप जा सकते हैं, लेकिन आपको महंगा पड़ेगा, लगभग 4-5 हज़ार का अच्छा सा आप कैबिनेट और पावर सप्लाई यूनिट लेना। लेकिन अगर आप 1500 या फिर 2000 में आप कैबिनेट प्लस पावर सप्लाई यूनिट ले रहे हैं, तो वो काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि उसके साथ पावर सप्लाई यूनिट जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आप या तो दोनों अलग अलग ले रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आप जो भी आप कैबिनेट ले रहे हैं उसके साथ अच्छी पावर सप्लाई यूनिट होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए, तो ऐसी आपको कैबिनेट लगभग 4-5 हज़ार से ज़्यादा की मिलेगी। और ये जो कैबिनेट है ये काफ़ी सस्ता है, और सबसे सस्ता मैंने ढूंढा था जिसमें मुझे LED लाइट्स भी मिल जाए और LED वाले फैन जो होता है वो भी मिल जाए और साइड से ट्रांसपेरेंट मिल जाए, तो मुझे सब कुछ इसमें ओवरऑल सारी चीज़ें मिल गई, और वो भी सिर्फ 2000 में, क्योंकि आपको लगभग 3000 तो खर्च करने पड़ते हैं या फिर उससे ज़्यादा, तो आपको 2000 में इतने कमाल की आपको कैबिनेट मिल गई है। तो इसमें आपको फ्रंट में USB 3.0 का भी आपको पोर्ट मिलेगा सिंगल, और सेकेंड जो है वो 2.0 का है, और इसमें आपको प्री इंस्टॉल 2 आपको फैंस मिलेगी, एक फ़ैन जो है वो पीछे की साइड है आपका और एक है फ्रंट की साइड, और फ्रंट वाला जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट आपके कैबिनेट्स में से झांकता है, और उसमें LED लाइट्स लगी होती है, तो जो कि दिखने में काफ़ी कमाल का लगता है। उसमें LED इफेक्ट जो दिखता है ना वो काफ़ी आपके CPU को कूल बना देगा अगर आप इस कैबिनेट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो मेरी पसंद के कैबिनेट्स रहेंगे जो 2500 या फिर 3000 के रहेंगे, मैं उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब इनके अल्टरनेट्स दे दूंगा जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसको ट्राई कर लेना। और यहाँ पर मैं मदरबोर्ड की बात करूँ, तो मदरबोर्ड जो मैंने सेलेक्ट करा है वो सेलेक्ट करा है GigaByte की तरफ से, तो इसका मॉडल का नेम है A320M S2H। तो ये तो हमारे AMD का जो सॉकेट है, इसका जो चिपसेट है उसका कोड हो गया, और ये इसका मदरबोर्ड का कोड हो गया, तो इसका S2H मॉडल है। तो S2H जो मॉडल है वो लगभग आपको पड़ता है 4400 रुपये का, लेकिन इसमें आपकी ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं तो अभी फ़िलहाल ओवरक्लॉकिंग नहीं करने वाला था, और ना ही फ्यूचर में करने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह का मुझे काम है, जिस तरह का मुझे वर्क चाहिए, उसमें मुझे ओवरक्लॉकिंग की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैंने फिर भी अपने हिसाब से मैंने और ज़्यादा हाईफाई PC बिल्ड कर लिया, क्योंकि मुझे इतनी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप मेरे हिसाब से मदरबोर्ड जो लेना वो ओवरक्लॉकिंग का लेना, जिसमें आपकी ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट हो, क्योंकि आप अपनी रैम को भी ओवरक्लॉक कर पाएंगे जो हम यूज़ कर रहे हैं, और जो हमने CPU सेलेक्ट करा है उसको भी ओवरक्लॉक कर पाएंगे, तो आप क्यों ना उसका फ़ायदा उठा लें। तो इसका एक और मॉडल आता है जिसका नाम है A320M SD2, तो उसमें आपकी ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट है, और वो आपको 6600 रुपये का मिल जाएगा आज की डेट में, लेटेस्ट प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा भी जो कुछ अल्टरनेट्स होंगे वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट मदर बोर्ड है 4400 रुपये में, जो कि आपकी ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट नहीं करता है, और इसके मैं अभी फीचर्स आपको बताऊंगा आगे। और इसका अगर आप ओवरक्लॉकिंग वाला मदरबोर्ड लेना चाहते हैं वो 6600 में मिल जाएगा। तो इसके मैं कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। मदरबोर्ड में आपको 4 USB 3.0 के पोर्ट मिलेंगे, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, और 2 USB 2.0 वाले पोर्ट मिलेंगे। इसमें आपको HDMI का आउटपुट मिलेगा और D-Sub का आउटपुट मिलेगा, और DVI-D का भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब वीडियो के लिए आपको सभी तरह के आउटपुट मिल लेंगे, चाहे आप पुराना CPU पुराना मॉनिटर यूज़ कर रहे हो या फिर लेटेस्ट जनरेशन का मॉनिटर यूज़ कर रहे हो, तो काफ़ी कमाल के इसमें आपको वीडियो के आउटपुट्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको रैम के जो स्लॉट है वो 2 स्लॉट मिल जाएंगे, और इसमें आपको एक M.2 का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप M.2 के स्लॉट में अपने SSD को लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की आपको परफॉर्मेंस देगा, जो मैंने आपको दिखाई थी 240 GB वाली। और इसमें आपको 2 PCI Express के स्लॉट्स मिल जाएंगे, और आपको एक PCI Express 16 का स्लॉट मिल जाएगा, जिसमें आप अपने GPU को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो डेडिकेटेड GPU अगर आप फिर भी रखा है पहले से वो लगाना चाहते हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 PCI स्लॉट के थ्रू आप एक्सटर्नली कुछ और अलग सा कार्ड्स यूज़ करना चाहते हैं, साउंड कार्ड या फिर वाईफाई वगैरह, ये सब उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको इसमें स्लॉट्स जो है वो महंगे महंगे मदरबोर्ड्स में जो मिलता है
वो सभी इतने सस्ते मदरबोर्ड में आपको मिल रहा है। और इसके ऑन बोर्ड आपको साउंड कार्ड भी मिल जाएगा, अलग से साउंड कार्ड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो ये हमारे लगभग 30,000 की पीसी बिल्ड हमारी तैयार हो चुकी है। तो लगभग जब मैंने एक महीने पहले इस पीसी को तैयार करा था तो मुझे ये 33,000 या फिर 34,000 में मेरा पीसी बिल्ड बना था, लेकिन आज के प्राइस में, आज की डेट में प्राइसिंग की बात करूँ तो काफ़ी कम हो गई है। तो आपको काफ़ी सस्ते में आपकी पीसी बिल्ड हो जाएगी, लगभग ये सेम पीसी आपको 30,000 में बन जाएगी, लेकिन मुझे ये लगभग 34,000 में बनी थी। और एडिशनली मैं कुछ सस्ती सस्ती चीज़ें बताऊँ, इसमें आप टेराबाइट का 200 रुपये का वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, यूएसबी वाला वाईफाई है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ये वाली, तो आप इसको जाकर देख लेना। सिर्फ 200 रुपये में आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं अपने इस सीपीयू के साथ। और इसके साथ साथ आपको 200 रुपये में ही आपको ब्लूटूथ भी मिल जाएगा यूएसबी वाला, जो कि पोर्टेबल है, कहीं भी किसी और सीपीयू या फिर किसी और कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं या फिर लैपटॉप में तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं लगभग 200 रुपये में आपको। और क्या चाहिए भाई, सब कुछ मिल रहा है। तो ये सब मैंने यूज़ करा अपने पीसी बिल्ड में। तो अब भाई इसको असेंबल कैसे करना है, मतलब इन सभी प्रोडक्ट्स को कैसे मिलाना है, इनको कैसे जोड़ना है, तो इसके मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख लेना वीडियो में कैसे कैसे पीसी असेंबल करना है। अगर आप पहली बार पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यार 100% जाकर देख लेना, क्योंकि शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपने मिस कर दिए या फिर गलत कर दिया तो शायद आपको अभी प्रॉब्लम होगी या फिर फ्यूचर में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो एक एक स्टेप जरा ध्यान से देखना, तो वो वीडियो जाकर देख लेना। और उसके बाद विंडोज़ वगैरह कैसे इंस्टॉल करनी है वो भी, उसकी भी मैं आपको उसी वीडियो में लिंक वगैरह मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख लेना। मतलब आपका मैंने पार्ट्स बना रखे हैं, तो यहाँ पर 30,000 की पीसी बिल्ड तैयार हो चुकी है, अब असेंबली आप उसमें जाकर देख लेना। तो बस यार मेरे हिसाब से ये पीसी बिल्ड जो है वो काफ़ी खतरनाक पीसी बिल्ड है, जो कि 30,000 में बन सकते हैं, इससे बेटर भाई मेरे हिसाब से नहीं बन सकती है। अगर बन सकती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि शायद अभी आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो शायद उस टाइम पर कुछ और बात हो। तो फिलहाल आज की डेट में इतनी भयानक पीसी बिल्ड 30,000 में यही बन सकती है। तो अगर आप ऐसी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर उन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। मैंने सभी को अमेजोन से ही बाय करा था और सब कुछ मैंने घर बैठे अपने सीपीयू को तैयार कर लिया था, मतलब अपने पीसी बिल्ड। तो बस इस वीडियो में ये था, वीडियो पसंद आए इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।